हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर मैं निर्मल कुमार क्लास 12वीं का दिगंत दिगंत भाग 2 लेकर आया हूँ। आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं अध्याय 5, जिसका नाम है रोज। ये हम बोर्ड पर लिख दिए हैं, रोज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यह एक कहानी है और इस कहानी के जो कहानीकार है उसका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बात्सायन आज्ञेजी नाम है। जैसा कि हम लोग पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि जिस लेखक या कवि का जन्म हम नहीं जानेंगे, उसका जन्म हम लोग उत्तर प्रदेश जानेंगे, संभवतः 95% वो सही होगा। तो आज हम लोग जिस कहानीकार के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उस कहानीकार का भी नाम आगे जी है और उस कहानीकार का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो आइए हम लोग जानते हैं इस सच्चिदानंद हीरानंद बात्सायन आगे जी के बारे में। यह एक कहानी है। इस कहानी में कुछ मुख्य पात्र रूप से आते हैं। सबसे पहले मैं उसका नाम बता देना चाहूंगा। इस कहानी में स्वयं कहानीकार भी है, जिसका नाम सच्चिदानंद हीरानंद बात्सायन आज्ञे जी हैं। ये पूरे एक ही नाम है, यानी कि इसका हम लोग अब से इसका नाम जो लेंगे शॉर्ट नाम लेंगे, और वह नाम लेंगे आज्ञे जी। तो इस कहानी का जो एक प्रमुख पात्र के रूप में जो है वह आज्ञे जी हैं। उसके बाद इसी कहानी में एक महिला पात्र के रूप में जो है उसका नाम मालती है, और इसी कहानी में एक और पात्र है पुरुष पात्र के रूप में जिसका नाम महेश्वर है, और इसी पात्र में एक छोटा सा एक बच्चा रहता है जिसका नाम टीटी है। तो हम लोग अभी जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये एक रोज जो है ये कहानी है। तो हम लोग जाने कि उस समय की, जिस समय मालती और आज्ञे जी जो थे वो दोनों बचपन अवस्था में एक ही गांव में रहते थे। उत्तर प्रदेश की कहानी है। एक ही गांव में रहते थे और एक ही साथ और एक ही विद्यालय में वो पढ़ने के लिए जाते थे, और विद्यालय में दोनों पढ़ते थे। जब जब जाते थे तब तब रास्ते में, चाहे आम का पेड़ हो या अन्य तरह का कोई भी पेड़ हो, उसमें जो है कई तरह के पत्थर मारते जाते थे और फिर विद्यालय पहुंचते थे, और फिर विद्यालय से जो है वो पढ़कर जो है आते थे। लेकिन बात क्या था, बात ये था कि मालती मालती जो थी वो एक छोटी अवस्था में थी। मालती को अपनी पढ़ाई से ज्यादा लगाव नहीं था। वो जब भी पढ़ने के लिए जाते थे तो वह सही ढंग से पढ़ाई वो नहीं करती थी, और फिर अपना घर पर आके जो है घर का जो काम काज हुआ करता था उस कार्य को जो है वो करना जो है शुरू कर देती थी। पढ़ाई में थोड़ा सा भी दिलचस्प जो है उन्हें जो है नहीं था। परंतु वो आगे जी जो बचपन के रिश्ते से वो साथी है, परंतु दूर के रिश्ते से वो बहन भी है। अर्थात ये आगे जी और मालती जी जो है एक रिश्ते से एक साथी भी है और दूसरे रिश्ते से बहन भी है। इसलिए दोनों एक साथ खेलते धूपते हैं, रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और इसी तरह रहते हैं। लेकिन मालती का क्या था कि मालती वो सही से पढ़ाई नहीं करती थी, परंतु आगे जी जो थे वह जो है अच्छा से वो पढ़ाई अपना पढ़ाई करते थे। इसी प्रकार समय गुजर रहा था। उनके परिवार अर्थात मालती परिवार के जो सदस्य जो थे, उनके पिताजी जो थे, हमेशा अपनी लड़की के पढ़ाई के प्रति हमेशा वो जागरूक रहते थे। इसी प्रकार उनका परिवार जो है चल रहा था। एक दिन की बात है कि मालती के पिता जो थे एक किताब लाए थे, और किताब लाने के बाद वह अपनी लड़की अर्थात मालती को पढ़ने के लिए देते हैं, और मालती से कहते हैं कि इसे जो है तुम 8 दिन में जो है इस किताब को जो है तुम पढ़ जाओ। और इस प्रकार वो मालती छाती पे पत्थर रख के
वह जो है किताब को ले लेती है। मतलब ये हुआ कि मालती को वह किताब पढ़ने का थोड़ा सा भी मन नहीं था और वो मालती किताब को ले लेती है और फिर वह जो है घर चली जाती है। वो प्रत्येक दिन जो है उस किताब का जो है 10 पन्ना 10 पन्ना बराबर 20 पेज, वह 10 पन्ना बराबर 20 पेज रोज जो है वो फाड़ती थी, यानी कि इस पन्ने को जो है फाड़ के जो है फेंक देती थी प्रत्येक दिन। इसी प्रकार जो है लगातार 8 दिन तक जो है मालती 10 पन्ना अर्थात 20 पेज फाड़ कर जो है फेंकती गई और आठवें दिन जो है वह किताब पूरी तरह जो है किताब समाप्त हो गया। और आठवें दिन उसके पिताजी अपनी लड़की को बुलाते हैं और अपनी लड़की मालती से कहते हैं कि मालती, क्या तुम उस पूरे किताब को तुम पढ़ ली है? और वह जो है मालती अपने पिता के सामने आकर वो जो है चुप रहती है, कुछ नहीं कहती है। तो कहती है कि चलो, मुझे पूरा विश्वास है कि हमने जो तुम्हें किताब पढ़ने के लिए दिया वो पूरी तरह से तुमने पढ़ ली होगी। लाओ किताब, हम उनसे प्रश्न पूछते हैं। और जब प्रश्न पूछने के लिए किताब मांगते हैं तो वो स्पष्ट रूप से कह देती है कि पिताजी, मैंने वो किताब फाड़ दिया है, मुझे पढ़ने का इच्छा नहीं है, मैं पढ़ना नहीं चाहती हूं। और इस प्रकार वो किताब जो है फाड़ कर तो फेंक ही दी और उसके बाद पढ़ाई से वो बहुत दूर रहती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब वह अपने घर पर जब झाड़ू लगाती थी तो इस क्रम में अगर कोई कागज कोई पन्नों अगर भी मिलता था तो उस पन्ने को वह जो उसी के साथ जो है कूड़े कचरे के साथ जो है लेकर चली जाती थी। अर्थात उसे पढ़ने में थोड़ा सा भी दिलचस्प नहीं, पढ़ने का थोड़ा सा भी इच्छा उनके पास नहीं था। इसी प्रकार समय गुजरता गया और इस प्रकार क्या होता है कि आने वाले कल में एक दिन ऐसा होता है कि सबको कहीं ना कहीं विवाह उसका होता है, चाहे लड़के हो या फिर लड़कियां हो, एक ना एक दिन तो सबका विवाह तो होना ही है। और एक दिन ऐसा आता है कि मालती का भी जो है विवाह जो है एक जगह सेट हो जाता है। और इस प्रकार एक दिन उस मालती का भी विवाह हो जाता है। मालती का विवाह जहां पर हुआ था उस स्थान का नाम लारी था, यानी कि लारी में जो है वो मालती वहां पर रह रही थी। मालती का विवाह जिस लड़का के साथ हुआ था वह एक डॉक्टर था और वो डॉक्टर जो थे वो पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी का डॉक्टर था और वो वहां पर रहकर जो है गैंग्रीन का जो है वो इलाज करते थे। आज जो हम लोग ये अध्याय जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं क्लास 12वीं का रोज शीर्षक, ये गैंग्रीन से लिया गया एक भाग है जिस कहानी का नाम है रोज है। जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो उसका पति जो था वो महेश्वर जो थे वो गैंग्रीन बीमारी का इलाज करता था, वो सरकारी डिस्पेंसरी के एक डॉक्टर थे। अब हम लोग ये प्रश्न करते हैं कि आखिर गैंग्रीन है क्या, गैंग्रीन जो है किस प्रकार की बीमारी है। तो गैंग्रीन जो था वह गैंग्रीन एक प्रकार का बीमारी है, जैसा कि किसी व्यक्ति को जो है कोई पैर में या हाथ में या शरीर के किसी भी अंग में कोई कांटा चुभ गया हो और वह कांटा चुभने के बाद वह कांटा जब उस स्थान से नहीं निकालते हैं तो करीबन 10 वर्ष बाद या कई वर्षों बाद वही कांटा एक विषाक्त रूप धारण कर लेता है। और जब वह विषाक्त रूप जब धारण कर लेता है तो वह विष उसके शरीर पर छोड़ना शुरू कर देता है और जब वह विष जब छोड़ना शुरू करता है तो वो गैंग्रीन कैंसर की तरह जो है एक रूप ले लेता है। और फिर अंततः उनके पास दो ही ऑप्शन होता है, या तो जहां तक वो विष फैला है वहां तक के अंगों को काट देना या फिर उसका मृत्यु, दो ही रास्ता होता है। तो ठीक ऐसे ही बीमारी का इलाज मालती का पति महेश्वर करते थे।
तो क्या हुआ कि जब मालती का शादी लारी में हुआ था और उनका जहां पर घर था वहां पर पानी जिससे हम जो पानी पीते हैं, जिससे हम भोजन बनाते हैं, उस पानी का आने का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो पानी जो था वहां पर चापाकल नहीं था, बल्कि वह पानी नल के द्वारा आता था और नल से पानी तब आता था जब लाइन आता था। तो इस प्रकार व्यवस्था वहां पर था। तो क्या होता है कि शादी के करीबन चार बरस जब गुजर जाता है, तो गुजरने के बाद क्या होता है कि एक दिन आज्ञा जी को जो है, जो हमारे इस पाठ के कहानीकार है, उसे याद आता है कि हम मालती से मिलने के लिए हम जाए। करीब के रिश्ते से जो है वो मित्र है और दूर के रिश्ते से जो है वो बहन लगते हैं, और उसके मन में आया कि हम जो है मिलने के लिए जाएंगे। इसलिए बहुत सारे सामानों को जो है, जैसे कि आम हुआ और बहुत सारे वस्तु था, खाने वाला वस्तु को व्यवस्थित किया, और व्यवस्थित करने के बाद वह जो है अपने बचपन के साथी मित्र से मिलने के लिए चल दिए थे। और इस प्रकार कई मील दूरी तय करके आगे जी उस मालती के घर पहुंचते हैं। जब मालती के घर पहुंचते हैं तो वहां का वातावरण बहुत अलग सा था। लगभग 12 बजे दोपहर के समय वहां पर पहुंचते हैं। जब दोपहर के समय वह आगे जी अपने बचपन के साथी मालती के घर जब पहुंचते हैं, तो उस आंगन में जैसे ही पैर रखते हैं वैसे ही वह सुना सा वह लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि उस परिवार का स्थिति कोई खास ढंग से नहीं है। इस प्रकार वह आगे जी वहां पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद उसके खटक की आवाज सुनकर बचपन के साथी और दूर के रिश्ते से बहन वह मालती पुनः वह अपने आंगन से आगे जिसे मिलने के लिए आते हैं। और जब आगे जिसे मिलने के लिए आते हैं उसमें थोड़ा हल्का सा उल्लास, परंतु उसके बाद फिर पहले की तरह ही वह मायूसी बना हुआ था। और इस प्रकार आगे जी को फिर अपने घर के अंदर ले जाते हैं, और अंदर ले जाने के बाद फिर एक स्थान पर वह मालती बैठ जाती है, और फिर दूसरे स्थान पर फिर आगे जी बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसा कितना जो है ये मालती बदल गई है। ऐसा लगता है जैसे इस घर में मालती को पति का प्रेम नहीं मिला है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मालती का शरीर एक मटमैले वृक्ष की तरह जो है बन गया है, क्योंकि उनका शरीर बहुत दुबला पतला सा हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे पति और पत्नी अर्थात मालती और महेश्वर में जो है थोड़ा सा भी एक दूसरे से मेल नहीं था। ऐसा था कि जब भी आगे जी अपने घर आते थे तो 7 बजे तक वह जो है खाना पीना खाके तैयार हो जाते थे, और फिर पुनः वह अपने स्थान पर रोगियों को इलाज करने के लिए पहुंच जाते थे, और 7 बजे जाने के बाद वह फिर जब लौटते थे तो करीबन 1:30 या 2 बज जाते थे। और उसमें भी क्या होता था कि जब तक महेश्वर मालती का पति जब तक भोजन नहीं करते थे, तब तक उसकी पत्नी जो मालती भोजन नहीं करती थी। शायद इसी वजह से भी उनका शरीर बहुत दुबला पतला और उसके बाद बहुत कमजोर हो गया था। और जब 1:30-2 बजे जब आते थे और तब जाके वो महेश्वर भोजन करते थे, और भोजन करने के बाद फिर कुछ देर तक आराम करते थे, और फिर शाम में वो अपने अस्पताल अर्थात क्लिनिक के नजदीक जो है पहुंच जाते थे, ताकि आए हुए रोगियों को इलाज किया जा सके। और वो जब भी इलाज करते थे वो गैंग्रीन को इलाज करते थे, और गैंग्रीन के द्वारा जो है प्रत्येक 3-4 दिन पर कोई ना कोई केस आते थे, और उस केस के द्वारा उन रोगियों का किसी का हाथ किसी का पैर काटते थे, और काटने के बाद पुनः वह रोगी बच जाते थे। इस प्रकार इलाज करते थे। और आज
और आज जब दोपहर के समय जब आके जी उनके घर पहुंचते हैं तो घर पहुंचने के बाद वहां पर देखते हैं कि कितना सुना सुना सा है। वह जो है चुप जो है बैठी रहती है, कुछ देर तक थोड़ा बातचीत होता है, फिर मायूसी छा जाता है, फिर उसी जगह बैठते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो आके जी कहते हैं कि मैं कुछ खाने के लिए आम लाया हूं, आम ले लो खाने के लिए। वह आम जो था वह पेपर में लपेटा हुआ था और फिर वो जो है लेकर जो है चली जाती है और फिर एक ही स्थान पर फिर बैठे रहते हैं। फिर वह जो है उसके पति के बारे में अर्थात महेश्वर के बारे में पूछते हैं। महेश्वर का सिर्फ जो है वह आके जी सिर्फ एक फोटो में देखा था, पहचान रहे थे, परंतु रियली रूप से प्रत्यक्ष रूप से जो है वो नहीं देखे थे। इसी प्रकार समय गुजरता जा रहा था और इसी क्रम में उसका एक बेटा था, छोटा सा बच्चा था जिसका नाम टीटी था। इसके बारे में जो है आगे जी पूछते हैं ये इस बच्चे का नाम क्या है, तब वो बताते हैं कि इस बच्चे का नाम टीटी है। और इस प्रकार वह टीटी हमेशा रोते रहते हैं। पूछते हैं क्या इसी तरह रोते हैं, तब जो है मालती बताती है कि हाँ रोज इसी तरह रोते रहते हैं। और इस प्रकार जो है जैसे ही डेढ़ बजने के बाद जो है पुनः उस सरकारी डिस्पेंसरी के जो डॉक्टर महेश्वर थे जो गैंग्रीन का इलाज करते थे वो पुनः वह जो अपने घर पहुंचते हैं। पहले जो है वो खटक उस दरवाजे में लगाते हैं, फिर भी जो है आवाज सुनकर भी मालती बैठी रहती है। फिर दोबारा खटक लगाते हैं, दोबारा खटक सुनने के बाद फिर अपने स्थान से वो मालती उठकर जाती है और फिर जो है किवाड़ खोलती है और तब जाके फिर जो है उसमें प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर एक नया जो व्यक्ति पहुंचे हुए, तब फिर उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद वो सारे बात बताते हैं कि हम किस तरह इलाज करते हैं, गैंग्रीन का किस प्रकार बीमारी होता है, इस सब के बारे में हमेशा जो काम करते थे उसके बारे में उनसे बातचीत करते हैं। और इस प्रकार फिर जैसे ही वो भोजन करते हैं वैसे ही जो है करीबन 3 बज गया था। और जैसे ही 3 बजे के बाद वह महेश्वर फिर वहां से चले जाते हैं और 3 बजे के बाद जो था मालती भोजन पर बैठती है। लगभग में थोड़ा सा खाना बचा हुआ था क्योंकि जो भी कुछ खाना था वो तो उस दिन जो पहुंचे थे आगे जी वो खा गए थे। और इस प्रकार खाना पीना खाते हैं और खाना पीना खाते वक्त आगे जी कहते हैं कि मैं तो सारा भोजन खा ही गया था, फिर भी कहता है कि मेरे लिए बहुत है। इस प्रकार वो भोजन जो है कर लेती है और भोजन करने के बाद फिर जो है वह बैठ जाती है। बैठने के बाद फिर वह टीटी रोने लगते हैं, कभी खाट पर रोने लगते हैं और खाट पर रोते रोते जब गिर जाते हैं तो फिर जो है उस बच्चे को सही से उठाने के लिए भी नहीं जाती है। पहले जो काम होता है वो काम कर लेती है, उसके बाद वो जाती है अपने बच्चे को उठाने के लिए। तो इसी क्रम में कहानीकार लेखक पूछते हैं क्या रोज ऐसे ही गिरते हैं, बताते हैं कि हाँ रोज जो है इसी तरह रोज जो है गिरते रहते हैं। अर्थात जब बच्चे खाट पर से गिर जाते थे या बच्चे जब जमीन पर रोते रहते थे माँ को ज्यादा उनसे लगाव नहीं था, माँ ज्यादा मतलब नहीं रख पा रहे थे, ऐसा लगता था जैसे उनको बच्चे से भी ज्यादा लगाव नहीं है, बच्चे के साथ भी उनको ज्यादा जो है देखरेख जो है नहीं कर पा रहे हैं। लाइन जब आते थे कभी 3 बजे लाइन आते थे, कभी 4 बजे लाइन आते थे, कभी 11 बजे लाइन आते थे। इस बात को हमारे पाठ में खरगो के रूप में दिया गया है। खाना खाने का टाइम, बर्तन मांजने का टाइम, लाइन आने का टाइम, ये कोई टाइम नहीं था। कभी 3 बजे रात में भोजन वह बनाती थी तो कभी वह 11 बजे भोजन बनाती थी तो कभी जो है सवेरे 7 बजे भोजन बनाती थी, कभी 3 बजे भोजन बनाती। नहीं, समय का कोई जो है वहां पर नहीं था, जैसे समय आता था वैसे ही वह जो है भोजन बनाते जो है चले जाते थे। और इस प्रकार फिर महेश्वर में मालती में और उस आके जी में बातचीत होता है और बातचीत के क्रम में फिर मालती कहती है कि ठीक है आए हो तो
कम से कम दो चार दिन रुक जाना, उसके बाद जाना है। और इस तरह तो इस प्रकार मालती का जीवन व्यतीत हो रहा था। तो इस चैप्टर का और विशेष रूप से हमें जानने के लिए आप बी आर अम्बेडकर आर्ट्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो नंबर एक है, भाग नंबर एक है। और विशेष रूप से इसके बारे में हम लोग वीडियो भाग टू में पढ़ेंगे। और आप जरूर, अगर आपको अच्छा अगर लग रहा है अच्छा, तो आप बी आर अम्बेडकर आर्ट्स क्लासेस जरूर आप सब्सक्राइब करें। और एक बार फिर थोड़ा हम कर देते हैं मालती इस कहानी का महिला पात्र है महेश्वर, जो मालती के पति है। उसके बाद आज्ञा जी जो कहानीकार है, और मालती का जो बेटा है वो टीटी है, और मालती का पति जो महेश्वर जो था वो गैंग्रीन बीमारी का जो इलाज करते थे, और वो पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर थे, वो गैंग्रीन बीमारी का इलाज करते थे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें, और विशेष क्रम वीडियो भाग 2 में देखेंगे।